हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के एम स्मार्ट आल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटेस्ट क्यू कार्ड फ्रॉम मक्कर लिस्ट एंड नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन अनप्लीजेंट जॉब यू डिड मीन कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट जॉब बतानी है जो आपने की हो सो व्हाट्स द क्यूज फॉर दैट वट वॉज द जॉब वो जॉब क्या थी वन यू डिड इट कब आपने वो की वाई डिड यू फाइंड इट अनप्लीजेंट और आपको वो अनप्लीजेंट क्यों लगी How you felt about it? Or Aapko iske bare mein kaisa feel Okay students, so now let's start with a an simple answer. Well, there are many reasons for doing a job. According to me, there are only few people in the world who are happy with their job and position. कि बहुत सारे रीजंस है कोई भी जॉब करने के लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है बहुत सारे पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जो खुश नहीं है अपनी जॉब से एक्चुअली मोस्ट पीपल डू वर्क फॉर मनी कि कुछ लोग हैं जो वर्क करें वो मनी के लिए सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ गुड लाइफ टू देअर फैमिली ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सके वाइल सम डू द जॉब टू गेट एक्सपीरियंस और कुछ क्या एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर रहे हैं बिकॉज इन सम प्रोफेशन द एक्सपीरियंस इज नेसेसरी क्योंकि कुछ प्रोफेशन के अंदर क्या जो एक्सपीरियंस है वो नेसेसरी है सो हे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ जॉब विच आई डिड बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद डेट वर्क एंड एनवायरमेंट तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी एक जॉब के बारे में जिससे मैं खुश नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि उसका वर्क और एनवायरमेंट था वो मेरे को पसंद नहीं था आफ्टर कम्प्लीटिड माई मास्टर डिग्री आई वॉन्ट टू चूज़ माई करियर एज अ टीचर सो आई सेलेक्टेड अवर स्कूल विच लोकेटेड इन माई होम टाउन फॉर अ जॉब कि मास्टर डिग्री कम्प्लीट होने के बाद मैं अपना करियर एज अ टीचर चूज करना चाहती थी तो इसी वजह से मैंने एक स्कूल चूज किया जो कि मेरे होम टाउन में ही था जॉब के लिए हाव एवर देयर वर मैनी रिक्वायरमेंट्स टू जॉइन द स्कूल एंड आई फुलफिल्ड ऑल एक्सेप्ट वन दैट वॉज़ द एक्सपीरियंस विच आई डिड नॉट हैव कि वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी स्कूल ज्वाइन करने के लिए और मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल भी की लेकिन एक रिक्वायरमेंट थी जो फुलफ़िल नहीं कर पाई वो था मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था सो आई हैड टू ज्वाइन दैट लोकल स्कूल फॉर वन ईयर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस इसी वजह से मुझे वो स्कूल ज्वाइन करना पड़ा एक साल के लिए जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आई डिड नॉट लाइक दैट स्कूल एनवायरमेंट बट आई डि नॉट हैव एनी चॉइस मुझे स्कूल का जो एनवायरमेंट था वो पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी द स्कूल बिल्डिंग वॉज नॉट एरी जो स्कूल बिल्डिंग थी वो एरी नहीं थी एंड द स्टाफ मेम्बर ऑफ दैट स्कूल एवरी वन पोल अन अदर लेग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल और जो स्टाफ मेम्बर थे उस स्कूल के हर एक क्या दूसरे की लेग खींचने में लगा रहता था प्रिंसिपल के सामने सो आई वेंट टू स्कूल एवरी डे एंड कंसनट्रेट ऑन माई वर्क तो इसी वजह से मैं डेली स्कूल जाती थी और कंसनट्रेट करती थी अपने वर्क पे I felt thrilled when I completed one year because I know I was eligible to join any school which I was तो क्या है? मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी सी फील हुई एक्साइटमेंट फील हुई जब मेरा वहाँ पे वन ईयर कंप्लीट हुआ क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं एलिजिबल हूँ किसी भी स्कूल को ज्वाइन करने में जो मैं चाहती हूँ सो दैट वॉज द जॉब विच आई डिड बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट तो यही वो जॉब थी जो मैंने की बट मैं उससे खुश नहीं थी ओके स्टूडेंट सो दिस इज़ अ क्यू कार्ड एंड स्टूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग you <laughs>